खबर है बगहा से, जहां पर्चाधारियों को उनके जमीन से बेदखल करते हुए विद्यालय के नाम पर फाइव स्टार होटल आदि बनवाने का कार्य किया जा रहा है, यह एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है। इसके विरोध में पर्चाधारियों ने भाकपा माले के बैनर तले अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए। दर्जनों की संख्या में पहुंचकर पट्टाधारियों ने कहा कि सरकार के द्वारा लक्ष्मीपुर रामपुरवा पंचायत में 136 भूमिहीन लोगों को पर्चा दिया गया था, लेकिन भूमाफियाओं के द्वारा पट्टेधारियों की जमीन से उन्हें बेदखल करते हुए उस पर स्कूल के नाम पर फाइव स्टार होटल का निर्माण कराया जा रहा है। जरा देखते हैं यह खबर विस्तार से संवाददाता रविश मिश्र के साथ। कागज केहू सुनवाई नहीं करो, न कलेक्टर न कुछ केहू सुनवाई नहीं करो, तो आई बारी से हमी के मंडल घेरे खातिर घेराव करने आए हैं। घेराव करने आए हैं, क्या मांग है? नाम बताइए। माया देवी। लोग आवेदन के साथ पूरा वहाँ का जितने पर्चाधारी हैं उनके जमीन का कागज पत्र सब हम लोग दिए हैं। ये मामला अभी न्यायालय में है। और बड़े जो भूधारी जो भूस्वामी हैं वो तो अवैध रूप से मकान बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, और पर्चाधारियों को वहाँ से बंदूक के बल पर वो लोग भगा रहे हैं। तो अब तो हम एक बार दिए थे अनुमंडल पदाधिकारी जी को, हम लोगों ने आवेदन दिया था, फोन हुआ तो यहाँ पर काम हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमने DM को भेज दिया है। मांग क्या है अभी आपको? हमारी मांग है कि वहाँ पर जो अभी अवैध काम हो रहा है उसको बंद किया जाए, और अगर बंद नहीं होता है तो इसके बाद भी हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे इसके लिए चाहे जो। क्या नाम हुआ? परशुराम यादव, भाकपा माले, अंचल सचिव बगान। सर हम लोग 136 आदमी गुदारी हैं और हम लोग को वहाँ से उजाड़ दिया गया है, और उस जमीन को अवैध रूप से कब्जा कराया जा रहा है, और स्कूल के बोर्ड लगाकर वहाँ पर होटल बनवाया जा रहा है। किसके द्वारा होटल बनवाया जा रहा है? गुदारी के परिवार के लोगों द्वारा। आप लोग स्टीम से मिलने आए थे? जी। क्या बोलिए? अब दूसरा कोई था, स्टीम साहब थी नहीं, तो बोले हैं कि जाइए इस मामले को हम कर्मचारी को भेज के उस काम को रुका। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जयप्रकाश।